आज एक मुद्दा जो हमारे पास आया है वो ये है कि शफाईत हुसैन और मोहम्मद आरफ जीडीसी मेंडर के दो स्टूडेंट जिनका ईवीएस का सब्जेक्ट जो कि यूनिवर्सिटी 5 साल से फेल कर रही है, इन जैसे और कई 200-300 नौजवान ऐसा है जिनको यूनिवर्सिटी बार बार फेल कर रही है और इन बच्चों से ये जनाब मजदूरी करते हैं। ये भाई मजदूरी करके इन बच्चों ने 5 साल में हर साल में 1500-1500, 2000 फॉर्म की फ़ीस दी, रेवलेशन भरा, सब कुछ किया यूनिवर्सिटी के लिए, रेवलेशन भरा, फॉर्म की फ़ीस दी, रीचेकिंग की फ़ीस दी, लेकिन 5-5 साल से इन दो भाइयों को यूनिवर्सिटी बराबर फेल कर रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यूनिवर्सिटी ने पहले कहा था 80 में से 29 पास हैं, लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटी ने एक बांस प्रमोशन के बाद इनको 40 नंबर का पेपर दिया और 14 पास थे। इस भाई के 20 है और इनके 18, इन दोनों को फेल कर दिया गया है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो भाई जिसके 6 साल वेस्ट हो चुके हैं, ये जो भाई जिनके 5 साल वेस्ट हो चुके हैं, ये अब क्या करेंगे। यूनिवर्सिटी जो है एक ये सेंसलेस टीचर है जो ईवीएस का है, जो चेकिंग पे लगाया हुआ है, जिसको ये नहीं पता कि इन बच्चों का 6-6 साल का कैरियर वेस्ट हो चुका है, ये अब क्या करेंगे। ये डिग्रियां करेंगे या यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाएंगे, रेवलेशन भरेंगे, री एग्जामिनेशन भरेंगे, फॉर्म की फ़ीस देंगे। ये यूनिवर्सिटी का जो ये बिहेवियर है, ये यूनिवर्सिटी को चेंज करना होगा। मैं वीडियो के माध्यम से वीसी जो है जम्मू यूनिवर्सिटी और एलजी साहब से और जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इन ईवीएस बच्चों की दोबारा से इनकी रीचेकिंग की जाए और इनके बच्चे ये पास हैं, इनको पास किया जाए। अगर इनको पास नहीं किया जाता तो हम प्रेस क्लब और यूनिवर्सिटी के अंदर आकर प्रोटेस्ट करेंगे और फिर उसके रिस्पॉन्सिबल आप लोग होंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी हाय हाय।